इतने सुंदर फूल भी खिल रहे हैं अच्छे से। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्टूपिड मिलेनियल में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज की शुरुआत सुबह की कर रहे हैं चाय और रस्क से और मट्ठी से। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने मेथी डाली थी, वो उग गई है, पर यहाँ मेथी उगाने का कोई फायदा नहीं है तो इसे हम उठा लेंगे। बस यहाँ मनी प्लांट जो है वो ढंग से ग्रो ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। ये मैं चाय पत्ती वगैरह जो निकलता है घर से वो सब डाल देती हूँ पौधों में। इसको ऐसे खोद लेंगे, जड़ की तरफ से ज़्यादा नहीं खोदेंगे क्योंकि जड़ में फिर दरार पड़ने का डर रहता है और पौधा डिस्ट्रॉय होने का भी डर रहता है। इसमें ज़्यादा पानी गिरने की वजह से भी ये हो जाता है कभी कभी, तो ये साइन है कि इसमें पानी हमें अब नहीं देना है। वैसे भी ठंड का मौसम है, कम कम देना होता है। मैं दे तो दो तीन दिन में एक बार रही, तो फिर भी शायद इतना नहीं देना है, ज़्यादा हो रहा है अभी। और इसमें जो कचरा है इसमें से इसको निकाल के फेंक देंगे। और इस पौधे में पता नहीं 2 महीने होने जा रहे हैं, कली कब खिलेगी, कब हमें होंगे फूल के दर्शन, भगवान ही जाने। इतना सड़ा हुआ है, ये अनवांटेड चीज़ें वो रखी हैं इसमें, इसे वो खा के फेंकेंगे। ये भी देखिए कितने छोटे छोटे अनवांटेड पौधे लगे हुए हैं। हुआ है पर इसको शायद वो एक नया पौधा जब लगाते हैं तो उसके पुराने पत्ते झड़ के वो नए भी निकलते हैं, तो शायद क्योंकि इसकी टहनी इतनी अभी इतनी सूखी नहीं है तो इसको चांसेस है कि ये रीग्रो करे, तो अभी इसे रहने ही देंगे ऐसे। जड़ में बहुत सारा पानी है, इसमें भी पानी देना अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत दिनों में थोड़ा सा देना। ये देखिए कड़ी पत्ते का पौधा, 2-3 बार सांभर डोसा बना और ये पूरा ही गंजा हो गया। Thank you.
होप्स होती है और भी उठ जाए फूल के। ये भी यही टाइप का पौधा है, नंबर वाइट पौधे उठते हैं, वाइट पौधे ही नहीं वाइट फूल उठते हैं। स्टूपिड शोभना, ये भी यार बहुत ही गीला है, इसको भी पानी देना बंद करना पड़ेगा, ठंड में तो पानी को पौधों में पानी कम ही दो तो सही रहता है। इसमें उगाए थे माली ने पालक, तो उगा के गए हैं बट अभी तक उगे नहीं है, तो इसमें गुड़ाई कर सकते हैं क्या पता, ज्यादा जब दब गए बीज इसमें भी नहीं देना है पानी। गुड़ाई करते करते याद ही नहीं रहा कि कपड़े भी सूख गए थे काफी टाइम पहले, उन्हें ही सुखाना था, पहले गुड़ाई करेंगे शुरू की, तो अभी ये अचानक से याद आया तो पहले कपड़े सुखा लेते हैं फिर बचे कुछ गुड़ाई 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 करते। स्टूपिड मी स्टूपिड मी स्टूपिड मी। मोटे मोटे कुत्ते जो पड़े हैं घास पे ये निकाल देते हैं। ये देखिए बागवानी से कितना कचरा निकला था। घास तो मैंने सारी साफ कर ली, मैं तो